नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन की। अगर दोस्तों आईपीएल 2018 में ओपन ऑक्शन होता है तो इसका फ़ायदा क्या हो सकता है सभी टीमों को, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आईपीएल 2018 में ओपन ऑक्शन होता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होएगा वो होगा दिल्ली डेयरडेविल्स को और किंग्स इलेवन पंजाब को। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि जो दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब की टीमें हैं वो थोड़ी सी मतलब वीक मानी जाती है आईपीएल में। अगर दोस्तों ओपन ऑक्शन होता है और दिल्ली और पंजाब में अगर अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ जाते हैं, मतलब जो कि आईपीएल के स्टार प्लेयर है, अगर वो दिल्ली और पंजाब में आ जाते हैं तो दिल्ली और पंजाब की टीम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम हो जाएगी और हम सबको जो है फिर सभी टीमों के बीच में एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इससे फ़ायदा ये भी होगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं आईपीएल के, अगर वो दिल्ली और पंजाब की टीमों में आते हैं तो जो उनके यंग प्लेयर हैं दिल्ली और पंजाब के, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है जो कि आईपीएल के बड़े बड़े और स्टार प्लेयर हैं। तो इनसे जो है भारतीय टीम को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो भारत के यंग प्लेयर हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर ओपन ऑक्शन होता है आईपीएल में तो ये एक तरीके से जितने भी फ्रेंचाइज है आईपीएल में, कुल मिला के 8 फ्रेंचाइज है, तो इन सब के पास एक बराबर का मौका रहेगा कि जो वो सब फ्रेंचाइज है सब मिलके अपनी अपनी टीमों को एक स्ट्रॉन्ग टीम बना ले। अभी दोस्तों पहले क्या हुआ कि जितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे वो तो अपनी अपनी टीमों से ही खेलते हैं, और जो दिल्ली की टीम और पंजाब की टीम है उनको वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर को खरीदने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि जो उनको जो है पहले से ही उनकी फ्रेंचाइज रिटेन कर लेती है। अगर दोस्तों ओपन ऑक्शन होता है तो जितने भी टीमें हैं उनको एक बराबर का मौका मिलता है कि वो जो है वो भी मतलब जितने भी बड़े प्लेयर हैं सबको खरीदे और अपनी टीमों को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बना ले। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप क्रिकेट और आईपीएल के फ़ैन हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, आपके हिसाब से ओपन ऑक्शन अच्छा है या फिर रिटेन पॉलिसी अच्छी है, अपने अपने विचार बताइए नीचे कमेंट करके। तो दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।